हेलो बच्चों, मेरा नाम है लाल कैलाश और आज हम फिजिक्स 10th क्लास जो है उसका चैप्टर नंबर 1 वेव्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेव्स क्या होती है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। वेव्स होती क्या है, उनका इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो है उसके टाइप्स और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वेव क्या होती है। अब देखो, वेव जो है एक तरह की प्रॉपर्टी है, सही है। अब वेव जो है ये फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी मदद से समझते हैं वेव क्या होती है। वेव जिसको हम लहरें कहते हैं, एक तरह से तो पानी की लहरें होती हैं उनको भी वेव्स कहा जाता है, और एक तरह की फिजिक्स में वेव्स होती हैं वो सेम ही होती है। अब देखते हैं यहाँ पर वेव्स क्या होती हैं। ये फॉर एग्जाम्पल कोई दीवार है यहाँ पर, ये एक तरह का रोप है हमारे पास, यानी कि एक तरह की रस्सी है। तो ये जो रस्सी है इसको हम क्या करते हैं, एक झटका देते हैं यहाँ से हम जो इसको एक तरह से झटका देते हैं। जब झटका देंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एक तरह का ग्रूव पैदा होगा। ठीक है, यहाँ पर एक तरह का ग्रूव पैदा होगा और वो जो है जैसे जैसे हम झटका देते जाएंगे तो फिर वो ग्रूव जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये जो ग्रूव जो है यहाँ पर धीरे धीरे, पहले यहाँ पर था, उसके बाद जो है थोड़ा आगे जाएगा, उसके बाद जो है और आगे जाएगा, उसके बाद जो है और आगे जाएगा। तो इस तरह से जाते जाते कहाँ पर आकर लगेगा, यहाँ पर दीवार पे आकर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर दीवार पे आकर ये ग्रूव टकरा जाएगा यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर जो है हमने जब झटका दिया था इस रोप को, तो फिर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो इसके पार्टिकल्स थे, जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, यहाँ पर इसके जो मॉलिक्यूल्स थे, जो पार्टिकल थे, वो क्या कर रहे थे, मोशन कर रहे थे, यानी कि उसमें एक तरह की एनर्जी आ गई थी। जब हमने इनको झटका दिया तो उनके अंदर एक तरह की एनर्जी आई। कौन सी एनर्जी आई, जिसको हम बोलते हैं हरकत करने वाली एनर्जी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, एक तरह से एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर जब मोशन होता है तब आती है, जब हरकत होती है तब आती है। तो यहाँ पर जो ये रस्सी जो है इसको हमने जब हरकत दी, यानी कि जब झटका दिया, तो उसमें एक तरह से हरकत पैदा हुई, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, मैकेनिकल एनर्जी आ गई। अब ये मैकेनिकल एनर्जी जो है ये यहाँ पर मतलब एक जगह पे रुकी हुई नहीं है, क्या होगा कि ये थोड़ी सी मतलब आगे जाती रहेगी। यहाँ पर ये अभी यहाँ पर है, उसके बाद जो है वहाँ पर मूव करके इधर आ गई। तो ये मैकेनिकल एनर्जी है अभी यहाँ पर थी, उसके बाद जो है कुछ समय के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर आ गई, और उसके बाद जो यहाँ पर आ गई, और फाइनली ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कहाँ पर ट्रांसफर हो गई, इस दीवार के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी जो है यहाँ पर पहले ये जो मैटर था इस यहाँ पर, उसको हमने झटका दिया तो उसमें क्या आ गई, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स थे, जो मॉलिक्यूल्स थे उस मैटर के, वो हरकत करने लगे। यहाँ पर हरकत पहुंची, उसके बाद जो है हरकत आगे बढ़ी, उसके बाद और आगे बढ़ी। तो इस तरह से हरकत करने वाली जो तवाना ये, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, वो कहाँ जा रही है, हम कहेंगे इस डायरेक्शन में जा रही है। इस डायरेक्शन में मैकेनिकल एनर्जी कहाँ जा रही है, मैकेनिकल एनर्जी जो इस डायरेक्शन में जा रही है और फाइनली दीवार में गायब हो रही है, दीवार में जाकर लग रही है। और एक तरफ से देखें तो मैटर की अगर बात करें हम यहाँ पर, एक तो एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी वो आगे ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, जबकि हमारा जो मैटर है, यानी कि जो रोप है, जो रस्सी है यहाँ पर, उसके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे ही खड़े हैं, वो मूव नहीं कर रहे, यानी कि वो अपनी जगह मतलब चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैटर है, जो रस्सी थी, वो यहाँ पर जो रस्सी थी वो यहाँ पर ही रहेगी, वो ऐसा नहीं है कि उठकर आगे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर मैटर था पहले से ही, वो मैटर वहाँ पर ही रहेगा, बट एक्चुअली क्या होगा यहाँ पर कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आगे आगे मूव करती जाएगी, जबकि हमारा जो मैटर है वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा, वो जो है ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है, और यहाँ पर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है, तो ये होती है मैकेनिकल एनर्जी। और यहाँ पर मैटर जो है हमारा वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रांसफर क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है, जबकि हमारा मैटर जो है वो अपनी जगह पे ही खड़ा है, वो जो है अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो है हम कहेंगे यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पर जो है वेव प्रोड्यूस हुई है, यानी कि जब भी कोई एनर्जी मूव करे और मैटर जो है वो मूव ना करे,
यानी कि एनर्जी जो है वो अपनी जगह बदलाए, चेंज करे, और जो है वो ये जो मैटर होता है वो जो है एक जगह पे ही खड़ा रहे। तो फिर इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं वेव प्रोड्यूस होना। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, हम कहेंगे वेव प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि एक तरह से लेयर प्रोड्यूस हो रही है। क्यों लेयर बोल रहे हैं, क्यों वेव बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो आगे बढ़ रही है जबकि मैटर जो है वो अपनी जगह पे ही खड़ा है। तो इस तरफ यहाँ पर जो है ये मैटर देखें, ये इधर मतलब मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हम यहाँ पर इसको वेव बोल सकते हैं, इसको वेव कहा जाता है एक तरह से। दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, उठाते हैं, ये एक तरह से एग्जांपल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर होता है हमारा, वाटर जहाँ पर रिवर्स वगैरह होती हैं, नदियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल कोई पत्थर वगैरह गिरा देते हैं तो वहाँ पर भी एक तरह से लहरें प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो वाटर वेव्स कहलाती हैं। तो वो भी वहाँ पर क्या होती हैं, प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो वो भी हम जो है कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर वाटर है, तो वाटर में अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पत्थर गिराया तो पत्थर गिरने से क्या होगा कि वाटर जो है वो आगे आगे मूव करने लगेगा, यानी कि वाटर जो है वो उसमें मोशन आ जाएगा, यानी कि हरकत आ जाएगी। तो हम कहेंगे वाटर जो है वो चलने लगेगा, वाटर के अंदर मोशन आ जाएगा, सही है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो वाटर होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, यानी कि वो अपनी जगह नहीं चेंज करते हैं, यानी कि वो नहीं करते हैं, जगह नहीं चेंज करते हैं, बट वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक तरह से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं आगे। जहाँ पर हमने पत्थर गिराया फेंका तो वहाँ से वो वहाँ पर क्या हो गई, एक तरह से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो गई, पैदा हो गई उस जगह पे, और वो जो डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, तो यहाँ पर आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, और वो जो है हम कहेंगे उसको वेव, वहाँ पर वेव प्रोड्यूस हो रही है, लहरें प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये एक तरह से लहर होती है। अब लहरें प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं हम, लहरें जो वो कैसे प्रोड्यूस हो सकती हैं, लहरें जो है वो हम किसी भी चीज में प्रोड्यूस कर सकते हैं वेव्स को, डिस्टर्बेंस की मदद से। अगर किसी भी मीडियम के अंदर हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दें, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, अगर किसी भी मीडियम के अंदर हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करें तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो सकती है, वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। जैसे पहले वाला एग्जांपल था हमारा, एक रस्सी थी,